समझता हूँ कि ये भी पर्दे के पीछे बहरहाल जो है बातचीत हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान। सर लोग कह ये रहे कि लगता है ऐसा है कि फ्यूचर में चाइना और इंडिया जो है वो आपस में अपने कोई ना कोई सुलह कर लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मेरा पॉइंट था बताने का आपको, क्योंकि मैं कल से ये मैं पढ़ रहा था जो इनकी दूसरी दफा मुलाकात हुई है यहाँ उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि जाहिर है कि कोई पेशरफ जो है उसके इम्कानात है, कहता है नजर इसके कि मोदी साहब ने क्या बयान दिया है या नहीं दिया है। दुनिया भर में आप देख लें कहीं भी अब तो इस तरह के मामलात है ही नहीं मुल्कों के दरमियान, चंद एक मुल्क ही रह गए, लेकिन जहां कहीं भी डिस्प्यूट होते हैं तो वहां हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इलेक्शन होते रहते हैं, लीडरशिप के बयान बदलते रहते हैं, लेकिन एक जो ठोस स्टेट वर्सेस स्टेट एक जो एंगेजमेंट होती है और एक डायलॉग हो रहा होता है वो जारी रहता है। तो पाकिस्तान और इंडिया का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त जो है वो मुकम्मल डेड लॉक है। ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि ये भी पर्दे के पीछे बहरहाल जो है बातचीत हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन उसमें अभी तक कोई ऐसा रास्ता निकला नहीं है कि उसको पब्लिकली ये जो है वो ऑन कर सके। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बात सही की है कि एब्सेंस है, लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं वैसे साहब के कोई बैक चैनल, मतलब ये आप कह रहे हैं कि बैक चैनल कोई बात हो रही होगी, मुझे ये समझ लगी है, तो एक्सप्लेन कीजिएगा। मैंने अभी जो बात की वो ये कि बैक चैनल तो दुनिया भर में जहाँ कहीं डिस्प्यूट्स होते हैं कहीं ना कहीं बात हो ही रही होती है, ट्रैक टू और कुछ अलग है, डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी हो रही होगी हो रही है। ऑन एंड ऑफ जो है वो आपने देखा कि मुश्किल तरीन हालात में। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि यदि चाइना और भारत के रिश्ते सामान्य हो जाते हैं, जिसकी मतलब कुछ भविष्य में ऐसी संभावनाएं लग रही हैं, तो कर ही मारा जा रहा है भविष्य में, क्योंकि देखिए चाइना अब उस हिसाब से एग्रेसर नहीं रहा, वो बात करना चाहता है भारत से, भारत से देखिए डिस्कस करना चाहता। हालांकि भारत के कंसर्न है कि आपने जो आर्मी डिप्लॉय कर रखी है बॉर्डर पर, हमने भी कर रखी है, तो आप भी हटाइए हम भी हटा लेते हैं, तो रिश्ते सामान्य हो जाएंगे, क्योंकि चाइना को भी पता है कि अगर हम भारत से उलझे रहे तो इधर ताइवान भी जाएगा, उधर अमेरिका भी जाएगा, मतलब टारगेट तो अमेरिका को ही करना है इनको, ताइवान तो अमेरिका पूरी तरह से ताइवान की सुरक्षा में है, तो ताइवान चाहिए उनको तो स्वाभाविक है अमेरिका को टक्कर देनी होगी, और अगर आप भारत से ही उलझे रह गए तो फिर अमेरिका को टक्कर नहीं दे पाओगे। तो चाइना भी सोच रहा है कि भारत से किसी तरह से रिश्ते सामान्य किए जाएं। अब भारत से रिश्ते सामान्य होते हैं तो स्वाभाविक है पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर भारत किसी भी तरह का प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए लाता है यूएन में तो चाइना वीटो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर चाइना ने वीटो किया तो स्वाभाविक है रिश्ते सामान्य नहीं है, फिर भारत से जो वो मदद लेना चाहता है वो मदद नहीं मिलेगी, वो चाहता है कि हमारी कंपनियों को भारत में एंट्री मिले तो वो नहीं मिलेगी, वो तो अभी भी हमने भगाया है ना, तभी तो इनकी अकल ठिकाने आई है, वरना ये बिजनेस भी कर रहे हैं भारत से, एक कील भी हम इनसे ही इन पर ही निर्भर हो गए थे, इस तरह की कंडीशन हो गई थी, मतलब भारत हर चीज़ लगभग चाइना से खरीद रहा है, और चाइना अग्रसर भी हो रहा है, हमारी ज़मीनों कब्जाने की फिराक में भी 24 घंटा बैठा हुआ है। तो दो तरह के स्टैंड चल रहे थे चाइना के कि बातचीत करते रहो, व्यापार करते रहो और ज़मीनें भी कब्जाते रहो। तो हालांकि अब भारत बदल चुका है, भारत में एक सरकार ऐसी है जो देश हित के बारे में सोचती है, तो उसने स्टैंड लिया है क्लियर कि भाई व्यापार और बॉर्डर की समस्याएं एक साथ नहीं चल सकती, यदि आपको व्यापार करना है तो आपको बॉर्डर की समस्याओं को सुलझाना होगा, और चीन को समझ आ गया है कि इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है, अभी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था तभी अमेरिका को चैलेंज कर पा रहा था, लेकिन अब तो अमेरिका भी सेंसेंस ठोकने लगा है, अमेरिका की कंपनियां निकलने लगी हैं, शेयर मार्केट से पैसा बाहर आने लगा है, तो चाइना की जो बड़ी बड़ी कंपनी थी वो भी डूब रही हैं, अब अगर इकोनॉमी को नहीं संभाला गया तो पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा, बिना पैसे के किसी की सेना मजबूत नहीं होती, हमारे पास जज्बा है ये वो है ये बात की चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपके पास हाई क्वालिटी के टेक्निकल हथियार इस समय के होने चाहिए, AI का ज़माना है, आज के समय में आपके पास बेहतरीन हथियार नहीं है, बेहतरीन इक्विपमेंट नहीं है तो आप नहीं लड़ सकते। एक एग्जांपल के लिए मुझे कोई गन मशीन दे दे और सामने 50 लोग लट्टे लेकर भी खड़े हों तो मेरा क्या कर लेंगे, सिर्फ एक मिनट में 60-70 गोली निकलती हैं उससे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि
ये समय एआई का है, टेक्नोलॉजी का है, और उसके लिए चाहिए होता है पैसा। तो ये चाइना समझता है कि इकोनॉमी बहुत ज़रूरी है, और भारत जैसा बड़ा मार्केट अगर हमसे पास के पास में छिन रहा है तो ये वो बाकी कंट्री अमेरिका और पूरा यूरोप तो दुश्मन है। कि हम तो भाई बेचते रहे सारी जिंदगी अपनी भारत की दुश्मनी को कैश कराया चाइना से। मैं हमेशा आपको कहता रहा था जब भारत और चाइना आपस में हालात ठीक कर लेंगे भाईजान फिर क्या करेंगे आप, ये हिमालय से ऊपर वाली दोस्ती जो है वो फिर कहां जाएगी। अब उसी की तरफ जा रहे हैं, मैंने प्रेडिक्ट किया था ये, क्योंकि उसकी वजह ये है चाइना को भी अपनी इकॉनमी प्यारी है, भारत को भी अपनी इकॉनमी प्यारी है, और आपकी इकॉनमी है ही नहीं, आपकी तो इकॉनमी पैदा ही नहीं हुई ना अभी तक 76 साल में, आपकी तो इकॉनमी पैदा नहीं हुई। आपके लिए इतरा के लिए रस है आरजू, आप उस मुल्क में कंट्री में बैठी जो 23 दफा बैंकक्रप्ट हुआ है। अब वो कैसे बैंकक्रप्ट हुआ वो भी बताता हूँ किस तरह हुआ। 23 दफा आपने IMF का पैकेज लिया है, उस पैकेज का नाम क्या है, बेल आउट। बेल आउट किसको कराया जाता है, जो बैंकक्रप्ट होता है। 23 दफा एक कंट्री बैंकक्रप्ट हुआ, तो वो तो उनको इकॉनमीज अपनी प्यारी है। मैंने कल एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल पढ़ा है कि डॉक्टर जयशंकर और वेंग यी जो उनके चाइना के इस वक्त उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, दूसरी दफा मुलाकात उनकी हुई है आसियान में, लाओस के अंदर उनकी दूसरी मुलाकात बड़े शॉर्ट पीरियड में। पहली दफा उनकी मुलाकात शंघाई समिट में हुई थी, उस वक्त भी साइडलाइन पे हुई थी, इस वक्त भी उनकी हुई। उन दोनों ने फैसला कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी फौजें जो है वो वापस ले जाए, वो यही। और इसमें बिलखसूस दोनों मुल्कों के सामने जो डिस्क जो उनके सबसे बड़ी कंसिडरेशन दोनों मुल्कों की है वो इकॉनमी है। भारत के अंदर एक सवाल ये बिल्कुल मुसलसल ऊपर वाले सर्कल में ये चल रहा है कि इतनी बड़ी इंपोर्ट करके चीजें चाइना से, और दूसरी तरफ जंग के हालात हैं, बॉर्डर के इश्यूज हैं, टेरिटोरीज के इश्यूज हैं, किस चीज को प्रेफर किया जाए, इकॉनमी को प्रेफर किया जाए या टेरिटोरियल को। लेकिन इन चीजों को अभी वो दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना समझते हैं कि एहतियात के साथ डील किया जाए, ये ना हो कि इस चीज में कहीं हम इतना फंस जाए ताकि इकॉनमी सफर होना हो शुरू हो जाए। दोनों कंट्रीज अगर देखा जाए, चाइना भी शरारतें तो करता है मुसलसल कि वो अपने जिस तरह मैंने बताया था पहले भी, उन्होंने वहां पे डैम बना लिए, कई शहरों के नाम जो हैं जो भारत के पास हैं उनके वो नक्शे के ऊपर चाइनीज नाम लिख लिख के शरारत वो करते हैं मुसलसल। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि इंडिया इज राइजिंग, और इंडिया की जो इंपोर्ट इतनी ज्यादा चाइना से, अगर वो बंद होगी तो हम कहाँ जाएंगे। ये लेकिन ये दूसरी मुलाकात उनकी हौसला अफजा थी, इसमें उन दोनों ने इस चीज पे जोर दिया है कि हम इकॉनमी को प्रेफर करें और अपनी फौजें जो है वो स्लो एंड प्रोसेस करें। लेकिन सर लोग कह ये रहे कि लगता है ऐसा कि फ्यूचर में चाइना और इंडिया जो है वो आपस में अपने कोई ना कोई सुलह कर लेंगे, कोई रास्ता निकाल लेंगे, हम बेघर हो जाएंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो मेरा पॉइंट था बताने का आपको, क्योंकि मैं कल से ये मैं पढ़ रहा था जो इनकी दूसरी दफा मुलाकात हुई है यहाँ पे एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, महीने के अंदर अंदर दूसरी मुलाकात है, और दे बोथ अग्रीड अपॉन इट। एक चीज मोदी साहब जब यहाँ आए थे तो एक क्लिप आजकल बहुत वायरल हो रहा है कि मोदी साहब ने जब कांग्रेस के अंदर अपनी स्पीच दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत हमारे कई मिलियंस हैं लोग यहाँ पे जो भारतीय निजाद हैं, जो भारत से आए हैं। खसूस उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि आज एक साल के अंदर भी कई कांग्रेशनल असेंबली हाल के अंदर भी कई लोग मौजूद हैं जो भारत से आए हैं, और बिलखसूस जो मेरे पीछे बैठी है वो भी भारत से है, और पीछे कैमला हैरिस बैठी थी। और मोदी साहब के उस स्पीच में उन्होंने समोसा काकस की बात की थी, उन्होंने कहा था कि समोसा काकस है यहाँ पे, वो बड़ा पॉपुलर है और फ्लेवर ऑफ द हाउस है, और वो उन्होंने कहा था कि आई विश के पूरा इंडियन कुजीन ही जो है फुल वो यहाँ पे आए मेरे ख्याल में, और वो टाइम इज कमिंग, क्योंकि ना सिर्फ इस वक्त कैमला हैरिस हैज इंडियन कनेक्शन, दूसरी तरफ से जेडी वैंस की जो वाइफ है वो भी इंडियन डिसेंट से है, इंडियन डिसेंट ही नहीं बल्कि इंडियन है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आए थे, दोनों प्रोफेसर थे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर भारत का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, इसमें कोई शक। यहाँ पे लोग मुसलसल इस चीज पे बात कर रहे हैं कि मोदी साहब ने थ्रेट दे दी है, लेकिन मोदी साहब थ्रेट ना दें तो क्या करें। आप ये बताएं कि कश्मीर के बॉर्डर पे कितने अटैक पिछले दिनों में एक महीने के अंदर हो चुके हैं, उनके कंसर्न है, उसका क्या करेंगे आप। आज आरजू कई लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 25 करोड़ लोगों का कंट्री है लेकिन ओलंपिक में सिर्फ 7 लोग हैं। मुझसे जाती बात पूछो, 7 को भी नहीं भेजना चाहिए था, वो भी कॉम का खर्चा नहीं करना चाहिए था। क्यों आपके क्रिकेट के खिलाफ क्रिकेट आपकी क्रिकेट टीम के अंदर आपने कबड्डी के और कुश्ती के लोग डाले हैं सिफारशी,
जब आप मेरिट पे आप डिसाइड नहीं कर पाते कोई भी चीज पाकिस्तान में, तो किसको पता है कि वो सात लोग भी सिफारिशी हों।